अफसर बिटिया का सपना अधूरा रह गया। बहुत दुर्भाग्य है, हमारे जो सपने खत्म हो गए। इसे हादसा कहें या हत्या, जैसा मैं मानता हूं कि यह हादसा नहीं है, हत्या है। इस हत्या के लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर का संचालक है। कोचिंग सेंटर के संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। लापरवाही भरपूर, सपने चकनाचूर। प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी नहीं। दिल्ली से केरल तक मौत का मातम। जिगर के टुकड़ों को सिस्टम ने मार डाला। और तीन सपनों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं आपकी साथ चित्रा त्रिपाठी। एक हादसा और तीन सपनों की मौत। पिता ने अपने कितने सपनों को मारकर बेटी को अफसर बिटिया बनाने का सपना देखा था। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाले श्रेया यादव को आईएएस अफसर बनने का सपना लेकर वो यूपी से दिल्ली आई थी, लेकिन सारे सपने टूट कर बिखर गए। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, कोचिंग हादसे मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 5 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील किए गए हैं। अब जाकर यहां पर प्रशासन की नींद टूटी है और यहां पर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो कोचिंग संस्थान हैं जिनके बेसमेंट को सील करने का काम किया गया है। राजधानी में 5 दृष्टि है, बाजराम है, रवि के बेसमेंट सील किए गए हैं। जिस तरह की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई तब हो रही है जब 3 छात्रों की जान इस सिस्टम ने ले ली। यकीनन जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। सरकारी सिस्टम, अधिकारियों की मिलीभगत और कोचिंग संस्थानों की अपनी मनमानी की वजह से 3 होनहार छात्रों को इस देश ने खो दिया। और सबसे ज्यादा दुखद यह है जिस तरह की उनकी जाने गई, उसके बाद राजनीति भी इस पूरे मामले में चरम पर है। फिलहाल बड़ी जानकारी ये मिल रही है, दिल्ली में 5 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को फिलहाल सील करने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हुए अब उस बिटिया की बात कर लेते हैं जिसने बड़ा सपना देखा था। सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आई थी। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव आईएएस ऑफिसर बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहती थी। यूपी से दिल्ली आई, घर वालों को कह रखा था कि वो अपना सपना साकार करके रहेगी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। करप्शन में गले तक डूबे सिस्टम ने श्रेया के सारे सपनों को एक पल में चकनाचूर कर दिया। माँ की पथराई आंखें ये सच मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी लाडो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। मजबूर पिता माँ को संभालने के लिए खुद को पत्थर जैसा दिखाने का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए वो जिंदा थे कि अपनी बेटी की अर्थी को देखेंगे। पूरा परिवार पूछ रहा है कि भ्रष्टाचारी सिस्टम ने आखिर उनकी बेटी की जान क्यों ले ली। इन सब में श्रेया का क्या कसूर था? महज 25 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। सवाल है कि क्या मुआवजा और खोखले वायदे उनकी बच्ची को लौटा देंगे। परिवार का कहना है मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। सबसे खतरनाक होता है सिस्टम का मर जाना। 27 जुलाई को दिल्ली में करप्शन की चाशनी में लिपटे सिस्टम ने 3 होनहार छात्रों की जान ले ली। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाली 25 साल की श्रेया यादव अपनी आंखों में उस सपने को लेकर जी रही थी जो उसे सोने भी नहीं दे रहा था, लेकिन कोचिंग सेंटर और सिस्टम की सांठ गांठ ने श्रेया के सारे सपनों को हमेशा के लिए मार दिया। उसके एक दिन पहले बात हुई थी, शाम को 9 बजे। क्या बोली थी वो आपसे? क्या बोली थी? हाल चाल पूछ रही है माँ, मुझे बहुत मोह लग रही है। और क्या बोली थी आप लोगों से? सबको हाल चाल पूछ रही थी, यही मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अच्छा से अच्छा मेरा सपना पूरा करके आना है।
अंबेडकर नगर में श्रेया के घर पर पड़े इस तख्त पर श्रेया की डेड बॉडी रखी है, जहां श्रेया की किलकारी गूंजे आज उसे घर में मातम पसरा है। माँ की आंखों से निकलने वाला आंसुओं का झरना भी सूखने लगा है, दिल पत्थर बन चुका है, लेकिन घर वालों का मन अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी लाडो अब इस घर कभी लौट कर नहीं आएगी। उसके माँ बाप का तो क्या हाल है, उनके मुख से तो बात भी नहीं निकल रही है। ये तो हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ऐसे बेसमेंट में हमारे देश के भविष्य क्यों बैठ के कोचिंग करते हैं। अरे हमारे मंत्री जी तो बुलडोजर चला देते हैं अवैध बिल्डिंगों पर, और वो ऐसे बेसमेंट क्यों बनाते हैं कि जिसमें माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी वो चली गई, आप लोग तो फिगर में उसका चेहरा देख रहे हैं, हम लोग कैसे भूल सकते हैं। माँ तो रो भी ली, लेकिन पिता अपना दुख जताए भी तो कैसे। श्रेया के पापा राजेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था कि अपने हाथों से उसे डोली में विदा करने की जगह उसकी अर्थी सजाऊं। पूरी घटना में बहुत दुर्भाग्य है, हमारे जो सपने खत्म हो गए, भरोसा करके कोचिंग के ऊपर, उसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, वहाँ की व्यवस्था कैसे, हम लोग गार्जियन हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं देखते कि यहाँ जो है व्यवस्था मेंटेनेंस कैसा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे बढ़ जाए। पिता ने दिल को फौलाद बनाकर उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उसकी धधकती चिता पूछ रही है कि आखिर करप्ट और कातिल सिस्टम की सजा उसे क्यों मिली। एक्चुअली हमें किसी ने बताया नहीं है, हमारा ये हम न्यूज़ के थ्रू हमें पता चला कि राव कोचिंग में इस तरह से बेसमेंट में पानी भर गया है, तो हमें ये पता था कि वो मोस्टली लाइब्रेरीज में जाती थी कोचिंग सेंटर के बाद। श्रेया अंबेडकर नगर के अकबरपुर की रहने वाली थी, बरसावा हाशिमपुर गांव में उसने आईएएस बनने का सपना देखा, उसने एक महीने पहले ही कोचिंग में दाखिला लिया था। पिता ने अपनी बिटिया को अफसर बनाने के लिए अपने दिल से दूर भेजा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्रेया के चाचा कह रहे हैं ये हादसा नहीं हत्या है। जैसे मैं मानता हूँ कि यह हादसा नहीं हत्या है, इस हत्या के लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर का संचालक है, कोचिंग सेंटर के संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि जब भी कोई कोचिंग सेंटर चलाए तो कम से कम मानक को इस तरह से रखे कि मानक को मानना जरूरी है उसके लिए। श्रेया बचपन से काफी होनहार थी, अब घर वाले उसकी कॉपी किताबें देखकर उसकी कही बातें याद कर रहे हैं। किसी की तिजोरियां भरती गईं और किसी के घर सूने होते चले गए, वैसा ही एक घर श्रेया यादव का है, 25 वर्षीय श्रेया यादव का, जो सपने बुन आईएएस बनने के दिल्ली गई थी यूपी के अंबेडकर नगर के गांव से, और हम इस वक्त उसी गांव के उसी घर में श्रेया के मौजूद हैं, जहां इस वक्त केवल सन्नाटा है, लोग बैठे हैं, लेकिन याद में श्रेया की, जिनकी आंखों के सामने से श्रेया का चेहरा नहीं जा रहा है। तो वहीं मेरे पास श्रेया की कुछ किताबें और कुछ नोटबुक्स रखी हैं, आप अगर देखें, श्रेया बेहद होनहार लड़की थी और उसकी हैंडराइटिंग आप अगर यहां पर देखते हैं तो आप यहां पर देखिए किस तरह से, ये श्रेया की किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिता राजेंद्र यादव को नहीं पता कि उनकी बेटी की मौत के जवाबदेह कौन लोग हैं, अब कोई भी गिरफ्तार हो जाए, किसी पर कार्रवाई हो, उनकी बेटी तो नहीं लौट कर आने वाली। अब परिवार चाहता है कि बेटी को इंसाफ मिले और कम से कम दोबारा ऐसे हादसे ना हो जिससे और किसी माँ बाप को उनके जैसा दुख सहना पड़े। आलम ये है कि जिस रिहायशी इलाके का जिक्र करते हैं ये भाई साहब, वो इलाका नहीं है, वो एक समझिए कि एक ऐसी जगह है जो जाने कितने पूरे भारतवर्ष के बच्चे बच्चियों का भविष्य बनाता है। और जब कोचिंग सेंटर्स का ये हाल हो, जो मोटी मोटी फीस पेरेंट्स से लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए बच्चों की सेफ्टी नहीं दे पाते हैं, तो शायद इसे दुर्घटना या हादसा नहीं बल्कि हत्या ही कहा जाएगा, क्योंकि इस परिवार पर जो गम का पहाड़ टूट पड़ा है उसका जवाब ना कोचिंग सेंटर के पास है, ना वहां के प्रशासन के पास, और ना ही सरकार के पास। कैमरामैन नीरज और सहयोगी के पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर आज तक। अब आपको बता देते हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में अब तक क्या क्या हुआ है। आज
गिरफ्तार 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 30,000 कोर्ट ने 12 अगस्त तक इन आरोपियों को जेल भेजा है। अब आपको बताते चले, 12 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 30,000 कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। कल आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी। कोचिंग सेंटर के मालिक समेत अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजकर पूछा है कि ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं हादसे के बाद राजेंद्र नगर इलाके में 13 कोचिंग सेंटर पर एमसीडी का एक्शन हुआ है। पास के इलाकों में बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ जमकर वहां पर आपको बताते चले कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। नियम तोड़कर बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीडी अब तक कई कोचिंग सेंटर को सील कर चुकी है। नियमों को तोड़कर बेसमेंट कोचिंग चलाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ करेगी। 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई थी। ये तीनों के चेहरे हैं जिसने अपने पीछे बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। दिल्ली में हुए इस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा है कि इस मामले में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जया बच्चन इस मामले में बोलते हुए भावुक हो गए। बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूं। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूं सर। मोर देन द व्यथा, द इंसल्ट दैट अ वुमन फेस्ड एट दैट टाइम। टुडे आई स्टैंड हियर एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर विथ सो मच पेन। आज हम लोग सब लोग, ना वो, ना ये, ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहां बैठ के मैं तब से देख रही हूं। मैं कलाकार हूं सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, मैं एक्सप्रेशन समझती हूं। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। दिस इज नॉट डन। जया बच्चन ने बिल्कुल सही बात कही। इस पूरे मामले में गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए और सिस्टम इस तरह से तैयार हो ताकि दोबारा इस तरह के हादसे राजधानी दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली ही क्या, देश के किसी भी हिस्से में। और जितने भी लोग दोषी हैं इस मामले में, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई तत्काल किए जाने की जरूरत है। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।